वो पेंटिंग आप जितना भी देख रहे हैं वाटर कलर से बना हुआ है और इसका कलर जो है दोस्तों उड़ गया था। दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। दोस्तों आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों हम लोग आए हैं एक स्कूल, जो पंचायत चुनाव होने वाली है दोस्तों उसी का बूथ संख्या हमें लिखना है। कहने का मतलब बहुत सारा स्कूलों में हमें ये काम करना है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो होती है दोस्तों वो स्कूलों में ही होती है, और इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखने के लिए आए हैं। और क्या क्या लिखना होगा वो आपको आगे देखने को मिलेगा, क्या क्या हम लोग लिखते हैं। और ऐसे दोस्तों हम लोगों को 160 स्कूल में लिखना है, तो अभी फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं। आज ईद भी है दोस्तों, और आज स्कूल सारा छुट्टी भी है, तो चलिए हम लोग तो अपना काम करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो अब आगे दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से अभी स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो लास्ट तक अभी शाम तक हम लोग काम करेंगे, तो देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं। दोस्तों हम लोग पेंट करते हैं, और पहले का लिखा हुआ अभी दिख रहा है दोस्तों, वो सूखने के बाद नहीं दिखेगा। और ये दोस्तों डिस्टेम्पर है जो कि येलो कलर का है, लिखने के लिए एपेक्स कलर का यूज करते हैं, या ये इसमें दिखाई नहीं देगा दोस्तों कहीं पर। ये देखिए एशियन ब्रांड का है, और इसी से हम लोग दोस्तों पूरा काम को करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है दोस्तों, तो हमें और चाहिए। तो आज हमारा पहला दिन है इस काम पे, इसलिए पहले का जो रंग बचा हुआ है दोस्तों उसी से हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग नया कलर उलर खरीदेंगे, तो उस समय आप लोग को फिर से दिखाएंगे कि कौन सा कलर हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमें दो जगह लिखना है, इसलिए सस्ती जो है उस साइड चला गया है पेंट करने के लिए। यहाँ का दोस्तों पेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं, और उस साइड दोस्तों अभी सस्ती कर रहा है पेंट। तो हर स्कूल में दोस्तों हमें दो जगह लिखना है, किसी किसी स्कूल में जहाँ छोटा स्कूल है जहाँ बूथ संख्या एक ही होगा वहाँ पे दोस्तों हमें एक ही लिखना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको लिखते हुए दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ का हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, दोनों साइड हम लोगों ने लिखा था वो लिख लिया है, उस साइड का भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी दोस्तों हमने लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, और जहाँ पे स्कूल में गेट नहीं लगा हुआ है दोस्तों वहाँ पर काम करेंगे। कहने का मतलब जहाँ पे बाउंड्री नहीं है, क्योंकि दोस्तों और जगह स्कूल तो बंद है आज, इसलिए आज तो गेट वगैरह सारा बंद रहेगा, तो जहाँ पर खुला रहेगा दोस्तों वहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों फिर से हम एक नए स्कूल पे आए हैं, जो ये जगह का नाम है दोस्तों बम्बियारी, पीछे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये जगह का नाम दोस्तों बम्बियारी है, बसिया प्रखंड में ही है। बट दोस्तों हमने अभी जहाँ पर लिखा था उससे यहाँ पहुँचने में हमें 10 किलोमीटर लगा, कहने का मतलब वहाँ से यहाँ का दूरी 10 किलोमीटर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल पर पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, हमारा लिखा हुआ नहीं है बट किसी और पेंटर ने लिखा है, बट बहुत ख़राब ही राइटिंग है, मैं आप लोग को ठीक से दिखा दूँगा। ये देखो दोस्तों राष्ट्र पशु किस तरह का बनाया हुआ है पेंटिंग, राष्ट्र फूल। और यहाँ पर भी देखो दोस्तों किस तरह का पेंटिंग बनाया हुआ है, यहाँ मोर का पेंटिंग देखो दोस्तों, वहाँ यहाँ से वहाँ तक दोस्तों पूरा भरा हुआ है। आम का शेप जो है वो अच्छा होता तो कलर तो किसी तरह भी रहे तो अच्छा ही लगता। और आप राइटिंग भी देखिए दोस्तों किसी तरह लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं बॉर्डर वगैरह किस तरह से लगाया हुआ है, फिलहाल का ही लिखा हुआ है दोस्तों, इन लोगों ने मतलब पेंटिंग को मजाक बना के रखा है। ऐसे ही दोस्तों किसी आर्टिस्ट ने लिख दिया होगा, कहने का मतलब नया नया जो पेंटिंग सीख रहा है उसी ने लिखा है। तो दोस्तों आजकल थोड़ा मोड़ा भी जानकारी अगर पेंटिंग का हो जाए तो वो अच्छे पैसे कमा सकते हैं, तो इसीलिए दोस्तों आप लोग को भी मैं कहता हूं कि अगर स्टार्ट भी आप लोग कर देते हो तो कुछ भी आप अपने अगल बगल काम कर सकते हो पेंटिंग वगैरह का, और कुछ पैसे अर्न कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं जैसा भी है लिखावट पैसे तो मिले ना। तो चलिए फिलहाल हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, वैसे हम लोगों ने यहाँ पर पेंट कर रखा है, पहले उसी को लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर एक नया स्कूल जाएंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे कौन सा स्कूल जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ का काम भी हम लोगों ने कर दिया है कंप्लीट, और दोस्तों मौसम जो है पूरा ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं ऊपर बादल, और बादल गरज भी रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों जल्दी निकलेंगे, हम लोग को 10 किलोमीटर यहाँ से बैक जाना है हमें, कहने का मतलब पीछे, हम लोग आगे आ चुके हैं, और वहाँ पर भी दोस्तों दो तीन स्कूल में लिखना है। तो चलिए
चलते हैं। वैसे दोस्तों स्कूल के अंदर ही लिखना है हमें, कहने का मतलब बरामदा में ही लिखना है, तो हम बारिश में नहीं भींग सकते हैं। तो उससे पहले दोस्तों हम लोग पहुंचेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। फाइनली दोस्तों और एक स्कूल हम लोग आ गए हैं जो कि आरसी स्कूल है, कहने का मतलब क्रिश्चियन संस्था वाला स्कूल है, जो कि आप देख सकते हैं पीछे मैंने पेंटिंग बना रखा है। ये दोस्तों 1-1.5 साल हो गया है और वाटर कलर से बनाया हुआ था दोस्तों, इसलिए कलर इसका उड़ गया है। तो चलिए स्कूल तो थोड़ा देर में हम लोग पहुँच ही जाएंगे, उस साइड में है, और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये पेंटिंग कैसा बना हुआ था, मतलब ठीक से बैक कैमरा में दिखा देता हूँ। ये है वो पेंटिंग, आप जितना भी देख रहे हैं वाटर कलर से बना हुआ है और इसका कलर जो है दोस्तों उड़ गया था, और अभी दोस्तों इस टाइप से ये लग रहा है। और अंदर में स्टैचू रखा हुआ है दोस्तों, और ये इसे ग्रोटो कहा जाता है। आप देख सकते हैं पेंटिंग कैसा लग रहा है, अभी भी दोस्तों ठीक ही है, कहने का मतलब ये पिछले साल के मार्च महीने में बनाया हुआ था, और अभी ये मार्च ख़त्म होके अप्रैल भी ख़त्म हो गया दोस्तों, 1 साल 1 महीना हो गया है दोस्तों इस पेंटिंग को बनाए हुए, और इस टाइप सा ये अभी लग रहा है। कहने का मतलब ये नया पेंटिंग बनाने को मांग रहा है, कहने का मतलब इस पर हम लोग फिर से एक नया पेंटिंग बनाएंगे, जो कि हम लोग फादर को बोलेंगे कि इस पेंटिंग को नया से बनवाइए, तो 100% है कि वो नया से बनवाएंगे। तो चलिए फिलहाल तो अपना काम जो भी है वो करेंगे। ये देखो दोस्तों बारिश भी जो है स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने पेंट कर दिया है। तो यहाँ के फादर जो हैं वो बोल रहे थे कि जहाँ पे लिखा हुआ था उसी को पेंट करके नया से कर दो। तो पहले यहीं पर लिखा हुआ था दोस्तों, जो कि विधानसभा चुनाव में किसी ने लिखा था दोस्तों, उसी के ऊपर हम लोगों ने पेंट कर दिया है। और पीछे साइड दोस्तों सारे पिकनिक या फिर कुछ मना रहे होंगे, वहाँ पर खाना पीना चल रहा है, और सारे मिलके सारे मतलब यहाँ के हॉस्टल के बच्चे हैं और फादर हैं, वो लोग सारे दोस्तों अपना खाना पीना में लगे हुए हैं। एक बार में ये मिट नहीं रहा है, कहने का मतलब 2 बार हमें करना होगा, और एक जगह इधर कहीं पे हम लोग कर देंगे। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं एक दूसरा स्कूल, जो कि कोनवीर में है। बसिया से कोनवीर दोस्तों 5 किलोमीटर दूर है, और कोनवीर से ही दोस्तों 1 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ता है, गांव का नाम भागीदेरा है। और यहां पर दोस्तों हम लोगों ने पेंट किया है, देख सकते हैं आप नीचे साइड में हम लोगों ने पेंट किया है, और सस्सी उस साइड नीचे भी पेंट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ऊपर में इसमें कहीं जगह भी नहीं है। और ये दोस्तों ऊपर छप्पर लगाया हुआ है दोस्तों, और ये खपरा का ही पूरा स्कूल है, कहने का मतलब यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं, उसके बाद फिर से आपको दिखाएंगे। बस वही काम करना है दोस्तों जो आपको मैंने शुरू में ही दिखा दिया था, सेम टू सेम वही काम हर जगह हमें करते जाना है। तो फाइनली दोस्तों फिर से हम एक नया स्कूल आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा स्कूल है दोस्तों, ये हाई स्कूल है, और ये दोस्तों क्रिश्चियन संस्था वाला स्कूल है, कहने का मतलब मिशन स्कूल है। तो आप पीछे साइड में देख सकते हैं सस्सी ब्यूप है, वहाँ पे पेंट कर रहा है, और ये काफ़ी बड़ा स्कूल है दोस्तों, मतलब हाई स्कूल भी है, और इधर इस साइड में मिडिल स्कूल है। और यहाँ पर पपीता दोस्तों इतना शानदार पका हुआ है, आप देख सकते हैं, और देख के खाने का मन कर रहा है, बट क्या करें दोस्तों, दूसरों का है अपना, और यहाँ पर फादर लोग भी हैं नहीं, यहाँ पर शायद ब्रदर लोग रहते होंगे, तो कोई है नहीं, तो हम लोग अपना काम करेंगे फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो सस्सी ने दोस्तों पेंट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इस साइड एक गेट है दोस्तों, और यहाँ पर पहले लिखा हुआ था, हम ही लोगों ने लिखा था कई सालों पहले जब पिछले बार इलेक्शन हुआ था, तो वही पर हम लोग फिर से लिखेंगे। यहाँ की साफ सफाई देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूल से बहुत ज़्यादा ही साफ सुथरा है, आप देख सकते हैं पूरा क्लियर, एकदम क्लीन लग रहा होगा। और यहाँ पे सुविधा भी बहुत सारा है, पानी का, टॉयलेट का वगैरह सारा कुछ सुविधा बच्चों के लिए है। और शायद यहाँ पे दोस्तों हॉस्टल भी है, आज छुट्टी है शायद, तो कोई बच्चे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों कितना अच्छा गार्डन भी लगा दिया है, हर जगह फूल पत्ती नज़र आ रहे हैं, और अच्छा लगता है दोस्तों, इस तरह का होना चाहिए हर विद्यालय में। देख के लग रहा होगा ये वाला स्कूल जो है काफ़ी पुराना है, और हाँ दोस्तों ये बहुत ही पुराना स्कूल है, मुझे लगता है दोस्तों ये ब्रिटिश टाइम से ये स्कूल है, और ये काफ़ी पुराना बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं जो नया बिल्डिंग बना है दोस्तों वो इस साइड में है।
और ये पीछे साइड आप देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन जो भी दिख रहा होगा आपको वो पुराना है। कहीं कहीं पर दोस्तों इसका ईंट जो निकला हुआ है ना वो हमने देखा तो वो थोड़ा सा मतलब पुराना ही लगा, कहने का मतलब आजकल की ईंटों जैसा नहीं है, पतला पतला ईंटा है। यहाँ पर ये अंगूर फले हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना शानदार। और एक ही पौधा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे से निकला हुआ है, और पहली बार दोस्तों मैं देख रहा हूँ ये अंगूर का पेड़ या फिर जो भी बोलो ये ऐसा फलता है, ये पहली बार देख रहे हैं हम लोग। ये जहाँ तक कि अंगूर ही है और मुझे तो अंगूर ही लग रहा है देखने में, तो ये अंगूर ही होगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ का काम भी हम लोगों ने कर दिया है कंप्लीट, और इस स्कूल का नाम दोस्तों संत जोसेफ उच्च विद्यालय कोनबीर नवाटोली है। तो ये कोनबीर में ही पढ़ता है दोस्तों, यानी कि बसिया प्रखंड में ही पढ़ता है। तो चलिए अब अगला जगह चलते हैं जहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया हमें, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने पेंट किया था वो सूख नहीं रहा था जल्दी, क्योंकि अभी बारिश हुई थी दोस्तों और हमें बाहर में ही लिखना था तो दीवार भीगा हुआ था, तो सूखने में काफ़ी लेट हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम एक दूसरे जगह आ चुके हैं, और ये है पंचायत भवन दोस्तों, जो कि जहाँ पे हम लोगों को लिखना है। यहाँ का पंचायत भवन वाला जो बिल्डिंग है ना दोस्तों वो बना नहीं है, ये कुछ छोटा सा बिल्डिंग है इसी में पंचायत भवन चलता है। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ पर दो जगह लिखना है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे उसके बाद निकलेंगे। दोस्तों आज मार्केट थी इसीलिए आपको पीछे भीड़ नज़र आ रही होगी, मार्केट जो है अभी ख़त्म हो रहा है। चलिए हम लोग अपना काम करते हैं, फिर और एक नेक्स्ट जगह जाना है जो कि सामने ही है, ये जो मार्केट लगी है ना दोस्तों उसके जस्ट पीछे, तो वहाँ पर जाएंगे और उसको भी कंप्लीट करेंगे और यहाँ का भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दो जगह, वहाँ पर दो जगह, तो चलिए कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं।